नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। निजामाबाद में पत्रकारों ने कवि सम्राट हरिओत जी मूर्ति पर किया माल्यार्पण, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बा स्थित कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रतिमा पर 15 अप्रैल पर उनकी जयंती के अवसर पर पत्रकारों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और वहीं भारतीय पत्रकार संघ आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में संगठन के पत्रकारों ने हिंदी खड़ी बोली के जनक कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी कृतियों पर चर्चा करते हुए हिंदी साहित्य में उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान पर भी चर्चा कर उसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि हरिओत जी ने वैदेही वनवास रस कला चुपते चौपते चोखे चौपदे अधखिला फूल पारिजात ठेठ हिंदी का ठाट आदि रचनाओं के द्वारा समूचे भारत को एक सूत्र में परोने का काम किया। इस महान विभूति के नाम पर जनपद में कुछ विशेष देखने को नहीं मिलता। हरिओत जी का पैतृक आवास भी खंडहर में तब्दील पड़ा है। बाईपास तराहे पर लगी मूर्ति भी उपेक्षा का शिकार है, जबकि ऐसी धरोहरों को सुरक्षित कर यहाँ पर पुस्तकालय आदि का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि प्रेरणा लेकर देश की युवा पीढ़ी अपना भविष्य सवार सके। और इस अवसर पर वीरेंद्र नाथ मिश्र, राकेश पाठक, डॉक्टर शाहनवाज खान, विजय कुमार सोनकर शाह, आलम फराही आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ से ब्यूरो अबूजर आजमी की रिपोर्ट। आज हरिओत जी की जयंती है, जो निजामाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने हिंदी महाकाव्य की रचना की और लगभग सैकड़ों इन्होंने जो है कविताएँ रचनाएँ और किताबें उनकी पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में मिलती है, जहाँ लोग पढ़ते हैं। वो निजामाबाद एक छोटे से कस्बे आजमगढ़ की धरती से हैं। यहाँ से इन्होंने वो रचना की है जो ऐतिहासिक है। उसी को उपलक्ष्य में हमारे पत्रकार साथी भारतीय पत्रकार संघ से आज जयंती के अवसर पर हमारे संरक्षक राकेश पाठक जी, जिला महामंत्री शाहनवाज जी, विजय भाई और जयेंद्र यादव जी, तमाम हमारे पत्रकार साथी आके आज जो है उनके जयंती के अवसर पर उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। और इनसे हम लोग कुछ सीखने का प्लस दिन प्रयास करते हैं कि हम लोग तो खबरें रोज लिखते हैं, इन्होंने जो लिखा है उससे पूरी दुनिया पढ़ रही है। हम तो रोज लिखते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन इनका लिखा हुआ जो है, जब न संचार क्रांति थी, न लोग जानते थे कि क्या होती है मीडिया, क्या होती है सोशल मीडिया, उस जमाने में इन्होंने अपनी लेखनी से आज तक लोग याद कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।